दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। पूर्व विधायक बंपर ठाकुर ने कहा कि उनके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपितों के जेल में बंद होने के बावजूद जिला में चिट्टे का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि संबंधित आरोपित कथित तौर पर चिट्टे के सौदागर रहे हैं। आरोपितों के विरुद्ध अब तक की गई पुलिस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। उन्होंने मांग की है कि नशा तस्करों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे, ताकि जिला की युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में जाने से बचाया जा सके। देखो, हिमाचल प्रदेश में और बिलासपुर में नशा तस्करों को कोई बड़े लोग पनाह देते थे और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरे लोगों पर आरोप लगाते थे, लेकिन 23 तारीख को बिलासपुर जिला के जितने भी तस्कर थे, जो बाहर से हरियाणा और पंजाब से चिट्टा लेकर के आते थे, उनसे मिलकर के बिलासपुर के एक नेता ने मेरे ऊपर हमला करवाया, जानलेवा हमला। और हालांकि मैंने उसका नाम तक नहीं लिया था कि किसने किया किसने नहीं किया, पुलिस की जांच में आएगा समय, लेकिन वो जब वो गिरफ्त में आए, पुलिस की गिरफ्त में आए, तो वो व्यक्ति त्रिलोक जुमाल जो है वो उनके पक्ष में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हालांकि मैं तो बेड पे था, मैं अभी भी जो है वो बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि 23 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ था पिछले महीने, 23 से लेकर आज तक एक भी नया केस जो है चिट्टा पीने वालों का या पुलिस के पास कोई ऐसा केस नहीं आया है। तो इससे साफ होता है, साबित हो जाता है कि जो चिट्टा बेचने वाले लोग थे, जिनको संरक्षण प्राप्त था, जिसके नेता के संरक्षण में वो भी चिट्टा बेच रहे थे, जिस दिन से वो जेल में हैं उस दिन से लेकर के आज तक कोई नया केस नहीं आया। और जिस दिन से वो नशेड़ियों का सरदार 6 MLA की चौकीदारी कर रहा है दिल्ली के अंदर, उस दिन से लेकर के आज तक यहाँ पे कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है और जनता जो है सब कुछ देख रही है। तो अब ये जांच का विषय है कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है और हरियाणा से लोग आए और ये लोग उनके बीच में शामिल थे, उनको आखिर कौन लेकर के आया है, ये आने वाले दिनों में पुलिस की जांच से पता चल पाएगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।